हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल निटिंग ट्यूटोरियल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए दो कलर में डिज़ाइन लेकर आई हूँ। ये देखने में बहुत सुंदर और बनाना भी आसान है। फ्रेंड्स, इस डिज़ाइन को आप किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं। ये जेंट्स स्वेटर में, लेडीज स्वेटर, बच्चों के स्वेटर में, किसी में भी आप डाल सकते हो इस डिज़ाइन को। तो आइए फ्रेंड्स, इस डिज़ाइन को हम बनाते हैं। फ्रेंड्स, पहले हम इस नीचे वाली डिज़ाइन को बनाएंगे। फ्रेंड्स, ये डिज़ाइन चार फंदों में बना हुआ है, तो हम स्टार्ट करते हैं बनाना। पहली सिलाई हमें एक फंदा ब्लैक, एक फंदा येलो ऐसे बुनना है, एक फंदा येलो, फिर एक फंदा ब्लैक, फिर एक येलो, ब्लैक। इस तरह से लाइन कंप्लीट करनी है, एक फंदा ब्लैक, एक फंदा येलो बना के। उल्टी तरफ से इसी को रिपीट करनी है, ब्लैक को ब्लैक और येलो को येलो ही बुनना है। दो लाइन कंप्लीट हो गई। अब फिर सीधी तरफ से हमें ऊन का कलर चेंज करना है। जो येलो है उसको ब्लैक बनानी है और जो ब्लैक है उसको येलो बनाना है। ब्लैक को येलो और येलो को ब्लैक इस तरह से बुनते हुए हमें पूरी लाइन कंप्लीट करनी है। लाइन कंप्लीट हो गई। अब बैक साइड से सेम रिपीट है, ब्लैक को ब्लैक ही बनानी है और येलो को येलो। इस तरह से लाइन कंप्लीट करनी है। देखिए, हमारे नीचे की ये दो लाइनें कंप्लीट हो गई है, ये देखिए। अब हमें चार सिलाई प्लेन बुनाई करनी है। जिस कलर का बेस है इसी कलर से बुनाई करनी है। देखिए, हमारी चार सिलाई प्लेन बुनाई हो गई। अब डिज़ाइन शुरू करेंगे ये वाली। तो इसके लिए हमें पहले तीन फंदा येलो, एक ब्लैक, फिर तीन येलो, फिर एक ब्लैक, फिर तीन येलो, एक ब्लैक, फिर तीन येलो। बैक साइड से तीन एक स्लिप कर ले, दो उल्टा सेम बुनाई, एक ब्लैक, फिर तीन येलो, फिर एक ब्लैक। धागा लूज रखेंगे पीछे,
फिर तीन येलो, फिर एक ब्लैक, फिर तीन येलो। ये देखिए, ये वाली लाइन कंप्लीट हो गई। अब हम ऊपर ये डिज़ाइन फिर आगे बढ़ेंगे। एक ब्लैक है, अब इसके इधर और इसके इधर ब्लैक बनानी है, ये येलो हो जाएगा। तो पहले हमें एक स्लिप करके एक येलो, फिर एक ब्लैक, फिर येलो, फिर ब्लैक, फिर येलो, फिर ब्लैक, एक येलो, एक ब्लैक। लास्ट में दो येलो, बैक साइड से एक स्लिप करके एक येलो, एक ब्लैक, सेम रिपीट करनी है, फिर एक येलो, फिर एक ब्लैक। ये देखिए बैक साइड से बन गई। और फिर सीधी तरफ से एक येलो। अब इस ब्लैक के इधर वाले को ब्लैक बनानी है और तीन येलो बनेंगे, एक ब्लैक, तीन येलो। फिर एक ब्लैक, फिर तीन येलो, एक ब्लैक वाला, दूसरा ब्लैक और इसके बीच का येलो, तीनों को येलो बनाना है, तीन येलो। फिर ये जो ये वाली लाइन जा रही है, इस कंधे को ब्लैक बनानी है, फिर तीन येलो। फिर एक ब्लैक, फिर लास्ट का एक येलो। ये देखिए बैक साइड से पहले फंदे को स्लिप करें, फिर सेम बुनाई बुननी है जैसा बुना है, ब्लैक को ब्लैक और येलो को येलो। फिर सीधी तरफ से स्लिप किया, ब्लैक को ब्लैक ही बनाना है, सेम रिपीट करनी है जैसे जैसे बुनाई है वैसे। फ्रेंड्स देखिए हमारी डिज़ाइन यहाँ तक कंप्लीट हो गई है, यहाँ तक। ये देखिए अब इसके आगे बनाएंगे। पहले फंदे को स्लिप कर लीजिए। अब ये ब्लैक भी येलो हो जाएगा। अब दो ब्लैक, दो येलो, एक ब्लैक, जो बीच की लाइन जा रही है ये येलो ही रहेगी, ये येलो, फिर ये ब्लैक, जो ये ब्लैक यहाँ से आई है ये यहाँ पे बंद हो जाएगी, ये येलो हो जाएगा। एक ब्लैक, एक येलो,
लास्ट में दो येलो। बैक साइड से सेम बुनाई करनी है, एक स्लिप करिए, बाकी सेम बुनाई करिए, येलो पे येलो, ब्लैक पे ब्लैक। देखिए अब हमारी डिज़ाइन की आखिरी सिलाई है। अब हमें एक स्लिप करके दो येलो यानी तीन येलो बिनना है, और ये यहाँ से जो पीली लाइन आ रही है काले रंग की हो जाएगी, एक काला फिर तीन पीला। एक ब्लैक फिर तीन येलो फिर एक ब्लैक फिर तीन येलो लास्ट के तीन येलो। बैक साइड से एक फंदे को उतारना है, बाकी सेम बुनाई। ये देखिए डिज़ाइन बन के कम्प्लीट हो गई है। अब इसके ऊपर आप ये चार सिलाई फिर प्लेन बना के और ये डिज़ाइन इस तरीके से बना लीजिए। ये वाली डिज़ाइन 12 सिलाई में कम्प्लीट होती है। ये देखिए बन गई डिज़ाइन, तो आप इसे ज़रूर बनाइए और मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़, और मेरे बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आगे कोई भी वीडियो डालूँ तो आप तक जल्दी से पहुँच जाए। थैंक यू।